हेलो एवरीवन, वेलकम टू पहल क्लासेस। आई एम रचना, योर केमिस्ट्री टीचर। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में अपना थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। वाटर चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज के वीडियो में हम एक अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। ओके, यह आपकी बुक का फोर्थ चैप्टर है। थर्ड चैप्टर तक हमने सब कुछ पढ़ लिया है। वाटर के बारे में हम जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने सारी पढ़ ली हैं। आज के चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। ओके, ये आपका फोर्थ चैप्टर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा? एक मैटर है, उसके रिलेटेड हमें कुछ समझना पड़ेगा। ओके, देखो क्या बात कर रहे हैं हम, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर की बात कर रहे हैं आज के लेक्चर में हम लोग, ठीक है। तो यदि मैं आप लोगों को पूछती हूँ कि आप अपने आसपास जब देखते हो तो आपको क्या नज़र आता है? आपके आसपास कुछ भी हो सकता है। ओके, आप कुछ भी बोल सकते हो, हमारे आसपास क्या है मेरे। आप यदि फ़ोन से वीडियो वॉच कर रहे हो तो आप बोल सकते हो कि मेरे सामने फ़ोन है। यदि आप कुछ लिख रहे हो पेन से तो आप उसको बोल सकते हो कि हम पेन है, या फिर फैन का नाम ले सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास प्रेजेंट होगी, टेबल है, ठीक है, बेड है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपके पास में होगी। आप उन सब चीज़ों को किस में कंसिडर कर सकते हो? मैटर में। ओके, हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है, एटम के बारे में पढ़ना है, तो हमें पहले मैटर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि मैटर क्या क्या होता है, मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि आपके आसपास जो भी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी किस में काउंट होती हैं? मैटर के अंदर काउंट होती हैं। ओके, लाइक मेरे हाथ में ये पेन है, इसको भी हम मैटर बोल सकते हैं। मैं यहाँ पे, आपके पास में आपका फ़ोन है, उसको मैटर बोला जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी चीज़ जितनी भी आपके आसपास प्रेजेंट है, बुक है, आपको पानी पीना है, आपकी वाटर बॉटल है, सब किस में काउंट होती है? मैटर के अंदर काउंट होती हैं। तो ये मैटर है, तो हम मैटर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये सारी चीज़ें यदि मैटर के अंदर आती हैं हमारे आसपास, तो मैटर हो क्या सकता है? तो मैटर को हम क्या बोल सकते हैं? ऐसी कोई भी चीज़ जिसका कोई ना कोई मास हो। ओके, जिसका कोई ना कोई मास होना चाहिए पर्टिकुलर, और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। इसका मतलब क्या हुआ? मास तो अभी जितनी भी चीज़ों का हमने नाम लिया, सबका कोई ना कोई मास होता है, तो मास तो सबका होता है, लेकिन स्पेस ऑक्यूपाई का मतलब क्या है? कि आप उस चीज़ को कहीं भी रख दो तो कुछ ना कुछ स्पेस, कुछ ना कुछ जगह है, लेती हो, घेरती हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बात करती हूँ वाटर बॉटल की, ठीक है, हमने किसकी बात की? वाटर बॉटल की। वाटर बॉटल की यदि हम बात करते तो उसको यदि आप कहीं पर रखोगे, इतनी अच्छे से वाटर बॉटल नहीं बनाई मैंने, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है मेरी, हमने जहाँ पे भी क्या रखी, वाटर बॉटल रखी, उसने कुछ ना कुछ स्पेस तो लिया होगा। ओके, इसी तरह यदि मैं इस पेन को रख देती हूँ यहाँ पे, तो इसने कुछ ना कुछ स्पेस लिया होगा, तो स्पेस ही ऑक्यूपाई करते, कुछ जगह लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे जितने भी सब्सटेंस हो गए जिनमें कुछ ना कुछ मास और जो स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकते हो, उसको हम किस में कंसिडर करते हैं? मैटर में कंसिडर करते हैं। अब ये मैटर के बारे में मैंने आप लोगों को इसलिए बताया क्योंकि अभी हम इसका इंट्रोडक्शन चैप्टर का देखने वाले हैं। मैंने बोला आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें, इवन सब कुछ, जितना भी कुछ है जिसका मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, वो सब मैटर में कंसिडर की जाती है। हमारे आसपास इतनी सारी चीज़ें, ये सब मैटर की बनी हुई है। तो बहुत से साइंटिस्ट थे जो बहुत क्यूरियस थे ये जानने के लिए कि ये सारी चीज़ें हमारे आसपास, जितना भी मैटर है, जो भी सब्सटेंस हम यूज़ करते हैं या फिर हमारे आसपास है, वो आखिर बने हुए किससे हैं, क्या चीज़ है, उनका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है। बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे वो लोग ये जानने के लिए कि हम इतना यूज़ करते हैं, इतना सब कुछ, तो हमें पता तो होना चाहिए कि वो किस किस चीज़ों की बनी है, तो उनका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है उनको बनाने का। तो क्या हुआ, बहुत से साइंटिस्ट ने बहुत सारी रिसर्च की, बहुत कुछ पढ़ा और देखा कि ये जो मैटर होता है और आसपास, तो इस कंक्लूजन पे पहुंचे बहुत सी रिसर्च के थ्रू कि ये जो भी मैटर है वो सब एक इंडिविजुअल पार्टिकल से बने होते हैं, ठीक है, एक ऐसे पार्टिकल से बने हुए होते हैं जिसको फर्दर हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। उस पार्टिकल को उन्होंने क्या नाम दिया? एटम नाम दिया, ठीक है। क्या नाम दे दिया उन्होंने? एटम नाम दे दिया। उन्होंने ये कहा कि ये इसकी जो भी मैटर होता है उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है? एटम होती है। और उस एटम को उन्होंने स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब समझ रहे हो, स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब होता है कि वो उसकी इकाई है, उसको बनाने की यूनिट है, कि वो बहुत सारी यूनिट्स मिलकर अपने किसी भी मैटर का क्या करती हैं, बनाती हैं। ओके, तो ये बात उन्होंने बोली। तो एटम को उन्होंने क्या कंसिडर किया कि एटम होता है वो फर्दर किसी भी सब्सटेंस में फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। आप एटम को, आपके पास में सपोज ये एटम है, आप इसको फर्दर डिवाइड करके टू में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। तो एक ऐसी यूनिट उन्होंने बताई जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है।
वो यूनिट एटम थी, उन्होंने एटम नाम दिया उसको। और एटम क्या होता है, सभी मैटर जितने भी मैटर हमारे आसपास में प्रेजेंट है उनकी फंडामेंटल बेसिक यूनिट्स होती हैं, ठीक है। मतलब वो उन्हीं से मिलकर बने हुए होते हैं। तो वो इस बात पर पहुंच गए, ठीक है, साइंटिस्ट इस बात पर पहुंच गए। चलो अब देखते हैं इंट्रोडक्शन थोड़ा सा। फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स मैन हैज ऑलवेज वंडर्ड अबाउट द अल्टीमेट नेचर ऑफ मैटर। ही हैज ऑलवेज सर्च टू फाइंड आउट द बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द सब्सटेंस। वेन द साइंटिस्ट स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग विद द मैटर, दे रियलाइज द मैटर कैन बी डिवाइडेड इन टू स्मॉल पार्टिकल्स। ओके, तो उस स्मॉल पार्टिकल को उन्होंने क्या नाम दिया, एटम नाम दिया। ओके, क्या बताया उन लोगों ने, देखो, द स्मॉल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट मेंटेन इट्स केमिकल आइडेंटिटी थ्रू ऑल केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस कॉल्ड एन एटम। उन्होंने उस एटम की क्या आइडेंटिटी, क्या प्रॉपर्टी बताई, कि वो एक ऐसा पार्टिकल होता है जो अपनी आइडेंटिटी को केमिकल चेंज हो या फिजिकल चेंज हो हमेशा मेंटेन करके रखता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एटम है वो फिजिकल चेंज के थ्रू वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन उसमें जो एटम यूज हुआ है उसकी आइडेंटिटी कभी भी नहीं चेंज होती है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया कि एटम को उन्होंने कैसे कंसिडर किया, उसकी डेफिनेशन क्या बताई, वो कभी भी चेंज नहीं होता है, केमिकल आइडेंटिटी मेटल की कभी भी चेंज नहीं होती है एटम की। ओके, आगे चलते देखते हैं। तो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या फाइंड आउट किया था, एटम का फाइंड आउट किया, तो वो मैश्री कनाथ थे। ओके, मैश्री कनाथ थे फर्स्ट साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि जो मैटर के लिए वंडर थे, मैंने आपको बोला बहुत से साइंटिस्ट थे जो रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने क्या लिया, मैटर को लिया, ठीक है, किसी भी एक मैटर को लिया, कोई भी सब्सटेंस, अपने आसपास इतने सारी चीज़ें हैं, तो उन्होंने किसी भी एक मैटर को लिया और उसे डिवाइड करना स्टार्ट किया। डिवाइड करते गए करते गए करते करते गए करते गए, जब तक डिवाइड करते गए तब तक उनके पास में एक ऐसी यूनिट मिली जिसको फर्दर वो डिवाइड नहीं कर पाए। ओके, अभी जस्ट पहले मैंने आपको यही बताया कि रिसर्च करते हुए उन्होंने डिवाइड किया और उनको क्या मिली, एक ऐसी यूनिट मिली जिसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो उन्होंने उस यूनिट को नाम दिया था परमाणु। ओके, क्या नाम दिया था उन्होंने उस यूनिट को, उस यूनिट को उन्होंने कहा था परमाणु, और इस परमाणु को ही आज हम लोग एटम बोलते हैं। ओके, तो महर्षि कनाथ फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने, फिलोसोफर थे जिन्होंने क्या बताया था, एटम के बारे में बताया था, उन्होंने मैटर को डिवाइड करके एक स्मॉलेस्ट यूनिट निकाली जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती, उसको उन्होंने क्या नाम दिया था, परमाणु, और आज हम लोग परमाणु को ही एटम के नाम से जानते हैं। ओके, चलो देखते हैं। महर्षि कनाथ पोस्टुलेट दैट इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर वी विल डिराइव स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल विच ऑन फर्दर डिविजन गिव्स ऑफ फर्दर स्मॉल पार्टिकल्स फाइनली लीडिंग टू द डेरिवेशन ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। ओके, जो मैंने आपको बताया वही है। ही नेम दिस पार्टिकल टू बी परमाणु और एटम। एटम हम आज बोलते हैं, पहले उन्होंने क्या बोला था, परमाणु ही नाम उसे दिया था। ओके, फिर आगे चलते हैं। तो एक और साइंटिस्ट है, कौन, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन को हम लोग फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं, क्योंकि जो करेक्ट थ्योरी, थोड़ी बहुत उनकी थ्योरी करेक्ट मानी जाती है, जिन्होंने एटम के बारे में थोड़ा बहुत सही नॉलेज दिया था, वो कौन थे, जॉन डाल्टन थे। तो जॉन डाल्टन को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, अपनी जो डाल्टन थ्योरी थी वो ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट 200 ईयर्स पहले उन्होंने ये थ्योरी दी थी, ठीक है, 1808 में ये थ्योरी उन्होंने दी थी, जो 200 ईयर्स बैक पहले उन्होंने ये थ्योरी दी थी। उस टाइम पे क्या था, किसी भी रिसर्च को करना इतना कन्वीनियंट नहीं था, क्योंकि आज जो हमारे पास में टेक्नोलॉजी और जो हमारे पास में इक्विपमेंट्स प्रेजेंट है हमारी लैब में, रिसर्च लैब में, इनमें वो पहले नहीं हुआ करते थे, इतने ईयर्स बैक वो नहीं थे। उस टाइम पे उन्होंने उसको रिसर्च करके कुछ ना कुछ हमें आज जो जानकारी मिली है वो बहुत सही थी। ओके, इसलिए हम बोलते हैं कि जॉन डाल्टन को फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी बोला जाता है, ठीक है। अब यदि हम बात करें कि उन्होंने जो थ्योरी दी थी वो बिल्कुल सही थी, तो ये उन्होंने की जो थ्योरी गिवन थी वो बिल्कुल सही थ्योरी नहीं थी। उन्होंने एटम को क्या बताया था, फर्दर डिविजिबल नहीं बताया था, कि एटम है वो लास्ट यूनिट है, इसको डिवाइड हम नहीं कर सकते हैं, इनडिविजिबल बताया था उन्होंने। लेकिन ऐसा नहीं है, आज हम जो हम लोग जानते हैं कि एटम्स की भी सब एटॉमिक यूनिट्स होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो एटम भी डिवाइड हो सकता है फर्दर। ऐसा नहीं है कि एटम ही डिविजिबल नहीं है, एटम डिविजिबल हो सकता है। तो उनके पास्टुलेट थे, उनको अपडेट करके एक न्यू थ्योरी बनाएगी, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे आज, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, कि उन्होंने क्या क्या पोस्टुलेट्स दिए थे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, देखो उसका फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था,
ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी इनविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। हमारे सराउंडिंग जितना भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुआ होता है और वो इनविजिबल होते हैं, उनको डिवाइड नहीं किया जा सकता फर्दर। उन्होंने उसको क्या बोला? एटम नाम दिया। ओके फिर देखो नेक्स्ट पार्टिकल, ऑल एटम ऑफ ए स्पेसिफिक एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास साइज एंड अदर प्रॉपर्टीज। जितने भी एलिमेंट है उनके जो एटम प्रेजेंट है एलिमेंट में वो अपनी मास साइज और आइडेंटिटी में क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज उनकी जो होती है वो स्पेसिफिक होती है। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बात करूँ कि हाइड्रोजन का जो एटम है और ऑक्सीजन का एटम है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, इनमें जितने भी एटम हैं ठीक है हाइड्रोजन में एटम प्रेजेंट है उनकी साइज मास और प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, स्पेसिफिक होती है। लाइक हाइड्रोजन की जो है वो ऑक्सीजन की नहीं हो सकती है, पर्टिकुलर एक एलिमेंट की जो भी एटम उसमें प्रेजेंट है उसकी मास साइज और ये सब चीज़ें क्या होती है, पर्टिकुलर होती है, एक स्पेसिफिक होती है, वो किसी दूसरे एटम से दूसरे एलिमेंट के एटम से मैच नहीं कर सकती है। ओके ये बात उन्होंने बताई। और क्या बोला उन्होंने, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयटेड, फर्दर मोर एटम्स कैन नॉट बी डिवाइड इन टू स्मॉलर पार्टिकल्स। ये तो हमने देख ही लिया है, एटम होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल में फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है। किसने बोला था? डॉल्टन ने बोला था। इसके अलावा हम एटम को क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं, किसी भी केमिकल चेंज हो या फिजिकल चेंज हो वो रीअरेंज जरूर हो सकते हैं। यदि हम बात करें रिएक्शन की, मैग्नीशियम क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो देखो ये मैग्नीशियम का एक एलिमेंट है, इसमें मैग्नीशियम का एक एटम है, मैग्नीशियम का एक एटम है, ऑक्सीजन के कितने एटम्स प्रेजेंट है, टू एटम प्रेजेंट है। ओके तो ये जब केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एटम चेंज हो गया है, ये डिस्ट्रॉय होकर दूसरे एटम बना लिए इन्होंने? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इधर जितने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के एटम है उधर भी उतने ही मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के एटम है। तो बात क्या है कि हम क्या नहीं कर सकते हैं, एटम को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन कंबाइन विद ईच अदर इन फिक्स्ड होल नंबर रेशियो इन ऑर्डर टू फॉर्म कंपाउंड्स। एटम्स होते हैं किसी भी कंपाउंड का यदि फॉर्मेशन करते हैं तो फिक्स्ड रेशियो में कंबाइंड होते हैं। एग्जांपल हम बहुत अच्छा ले सकते हैं, हम पहले भी देख चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में H2O के बारे में, ये 2:1 में क्या होता है, एक दूसरे से कंबाइंड होके क्या बनाते हैं, ये वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ये फिक्स्ड रेशियो, इसी रेशियो में ये कंबाइन होते हैं तब वाटर का फॉर्मेशन होता है। समझ आया? चलो आगे चलते हैं, एटम्स कैन बी रीअरेंज कंबाइन और सेपरेटेड इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में मैंने बोला नाइदर क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयटेड, ये क्रिएट नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉयड नहीं किया जा सकता है, रीअरेंज हो सकते हैं, एक दूसरे से कंबाइन हो सकते हैं। समझ आया? हम इसको क्या कर सकते हैं, रीअरेंज भी कर सकते हैं और एक दूसरे से कंबाइन भी कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा सबको। ओके आगे देखते हैं, डॉल्टन ने क्या दी थी, ये अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी। अब डॉल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी दी थी उसके बाद में आई थी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, क्योंकि कुछ कुछ डॉल्टन के पास्टुलेट्स थे वो बिल्कुल करेक्ट नहीं थे। बाद की रिसर्च से पता चला कि ये ऐसा नहीं होता है। लाइक हम बात करें एटम टिनी पार्टिकल है, इनविजिबल है, ठीक है इनविजिबल नहीं होता है, एटम को फर्दर भी डिवाइड कर सकते हैं। ओके इसके अलावा इसने बोला कि मास एलिमेंट का स्पेसिफिक होता है, मतलब ये जो भी एक एटम है उसमें जितने भी एलिमेंट, जो भी एक एलिमेंट है उसमें जितने भी एटम प्रेजेंट है उसका मास स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब मास सेम होगा, वो एक जैसे ही एटम होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इसमें हाइड्रोजन के एटम्स प्रेजेंट है तो ज़रूरी नहीं है उन सबका मास एक जैसा ही हो, क्योंकि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, हमने पढ़ा है 1H1, 1H2, 1H3, ठीक है तो ये आइसोटोप्स है तो इनके मास डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर सेम है, एटम भी सेम है लेकिन मास डिफरेंट है, तो मास डिफरेंट हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सेम ही हो। ओके चलो देखते हैं, अब जब हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी देख ली, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी हमने थोड़ा सा देख लिया, इन दोनों का अब हम करेंगे कंपैरिजन, क्योंकि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी को कंपैरिजन से हमें पता चलेगा कि डाल्टन ने क्या बोला था और उसका क्या कंक्लूजन निकला कि मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में कुछ चेंज है उस पोस्टुलेट में या नहीं है, कंपैरिजन से हमें बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। देखते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एंड मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी कंपैरिजन देखते हैं। फर्स्ट, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। देख लिया हमने स्मॉल पार्टिकल से बना होता है, इसमें भी सेम था, ऑल एलिमेंट्स और मैटर्स होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं। एटम्स आर इंडिविजिबल, यहाँ देखो तो एटम्स आर डिविजिबल एंड आर नो मोर इंडिस्ट्रक्टिबल। ओके
एटम्स होते हैं वो डिविजिबल होते हैं, जबकि डॉल्टन ने क्या बोला था, एटम डिविजिबल नहीं होते। तो इस पोस्टुलेट में मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में थोड़ा चेंज है, एटम होते हैं वो डिविजिबल हो सकते हैं। ओके, थर्ड देखते हैं, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम होता है वो किसी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। एटम कंसिस्ट ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल लाइक प्रोटोन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। डॉल्टन ने बोला कि सिर्फ एटम ही है, उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, एटम ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, एटम के अलावा भी कौन से पार्टिकल्स हो सकते हैं, प्रोटोन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ओके, चलो आगे वाला पास्टुलेट देखते हैं। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर अलाइक इन ऑल रेस्पेक्ट। जितने भी एलिमेंट होते, एलिमेंट में जितने भी एटम प्रेजेंट होते हैं, सब रेस्पेक्ट में क्या होते हैं, सेम होते हैं, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो डिफरेंट हो सकते हैं मासेस में। मैंने जस्ट अभी आप लोगों को एक एग्जांपल दिया है। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में क्या है, ऑल एटम ऑफ एन एलिमेंट मे नॉट बी अलाइक, दे कैन हैव डिफरेंट मासेस। मासेस डिफरेंट हो सकते हैं, किस बेसिस पे, आइसोटोप्स के। आइसोटोप प्रेजेंट हो सकते हैं एक एलिमेंट में सेम एटम के। ठीक है, आगे देखते हैं। एटम्स टेक पार्ट इन ऑल केमिकल रिएक्शन, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कॉन्स्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। ये बिल्कुल वही बात है, और यहाँ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में भी सेम ही है कि जितने पार्टिकल्स एटम के, जितने मॉलिक्यूल, जितने भी नंबर पार्टिसिपेट करते हैं, उतने ही वो केमिकल चेंज में, केमिकल रिएक्शन में रहते हैं। मतलब वही है कि सेम रहते हैं, नंबर चेंज नहीं होता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता है। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने भी सेम बात कही। तो कुछ कुछ जो प्रॉब्लम्स थी वो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने क्या बताया, बताया कि ऐसा नहीं होता है, कुछ डिफरेंट भी है इसमें। ओके, तो डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का हमने कंपैरिजन देख लिया है। अब हम देखेंगे एलिमेंट के बारे में। ओके, एटम पे जाने से पहले आपको थोड़ा बहुत एलिमेंट का भी पता होना चाहिए कि एलिमेंट क्या होता है। तो एलिमेंट की यदि हम बात करें तो एलिमेंट हम क्या बोल सकते हैं, वैसे हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा था, लेकिन हम फिर भी देखते हैं एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, एलिमेंट जनरली ऐसा सब्सटेंस होता है जो बहुत से स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं। वो स्मॉल पार्टिकल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और एटम भी हो सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसमें बहुत से स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। अब वो स्मॉल पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हम कार्बन की बात करें तो कार्बन एक एलिमेंट है। ओके, कार्बन क्या है, एक एलिमेंट है, ये स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ होता है, और ये स्मॉल पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ओके, तो समझ आया। देखो डेफिनेशन, एन एलिमेंट इज यूजली डिफाइंड एज प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, लेकिन पार्टिकल्स जो कंटेन करके रखते हैं वो सेम काइंड के होते हैं। सेम इन द सेंस, यदि कार्बन का है तो उसमें कार्बन के ही एटम्स प्रेजेंट होंगे, सेम एटम प्रेजेंट होंगे, किसी और के एटम नहीं प्रेजेंट हो सकते हैं। चलो एग्जांपल देखो, कार्बन, सल्फर, आयरन, लेड, गोल्ड, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आई होप आपको एलिमेंट पता चल गया होगा क्या होता है। अब देखते हैं हम आगे एटम के बारे में। हम एटॉमिक स्ट्रक्चर ही पढ़ रहे हैं तो हमें एटम के बारे में तो पता होना ही चाहिए। ठीक है, एटम बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी एलिमेंट का, जिसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकती है और नहीं भी। मतलब कोई भी एटम है वो एक बहुत सा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। किसी भी सब्सटेंस का बात कर सकते हो, एलिमेंट की बात कर सकते हो, मैटर हमारे आसपास प्रेजेंट है, उसकी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। ठीक है, वो नेचर के अंदर क्या एग्जिस्ट कर सकता है, फ्रीली भी एग्जिस्ट कर सकता है, और उसकी एग्जिस्टेंस फ्रीली हो या नहीं हो ये डिपेंड करती है। ओके, फ्री हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कुछ होते हैं जो कंबाइंड स्टेट में रहते हैं और कुछ होते हैं वो किसमें एग्जिस्ट करते हैं, फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, देखो, एन एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑन एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट बी केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट। मतलब फ्री रह भी सकता है और नहीं भी, जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एटम ऑफ आयरन, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड कैन एग्जिस्ट फ्रीली। आपको बता रखा है एनवायरमेंट में, या फिर हम बात करें नेचर में, आयरन हो गया Fe, कॉपर हो गया Cu, सिल्वर, आपको ये सिंबल्स आए हो याद होंगे, और गोल्ड का क्या होता है सिंबल Au। ये सब होते हैं, ये क्या कर सकते हैं, नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। बट आपकी जो वेयर इज एटम ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के क्यों नहीं करते हैं? आपने देखा होगा ऑक्सीजन हमेशा हम O2 की फॉर्म में लिखते हैं, हाइड्रोजन को हमेशा H2 की फॉर्म में लिखते हैं जब भी लिखते हैं। तो वो क्या करते हैं, फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते। ओके, तो हमने क्या देखा, एलिमेंट की डेफिनेशन देख ली, उसके अलावा हमने क्या देख लिया, डेफिनेशन ऑफ एन एटम देख लिया। आई होप इन दोनों की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई है। आगे चलते हैं, आप बात आती है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम की, एटम की स्ट्रक्चर कैसी होती है। ओके, तो देखते हैं,
बहुत से साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिसर्च की, वेरियस साइंटिस्ट ने एटम की स्ट्रक्चर से रिलेटेड, लाइक जे जे थॉम्सन, गोल्डस्टीन, बोर, चैडविक, बहुत से साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या की, रिसर्च की, और उन्होंने क्या बताया कि जो एटम्स होता है वो फर्दर स्मॉल पार्टिकल्स में डिविजिबल होता है। वो स्मॉल पार्टिकल्स क्या क्या बताए थे उन्होंने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो क्या हुआ, साइंटिस्ट ने रिसर्च करके क्या बताया कि एटम्स होता है वो डिविजिबल हो सकता है फर्दर पार्टिकल्स में, स्मॉल पार्टिकल्स में। वो स्मॉल पार्टिकल्स क्या थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में। तो ये जो पार्टिकल होते हैं उनको क्या बोला जाता है, फंडामेंटल पार्टिकल्स बोला जाता है। मेनली जो एटम होता है उसके अंदर यही कंटेन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स। देखो, द रिसर्चेज डन बाई वेरियस साइंटिस्ट लाइक जे जे थॉम्सन, गोल्डस्टीन, चैडविक, बोर एंड अदर्स हैव एस्टैब्लिश्ड बियॉन्ड डाउट दैट एटम्स आर डिविजिबल एंड कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर पार्टिकल। एटम्स डिविजिबल होते हैं, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल डिविजिबल होते हैं, उनमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल भी कंटेन करके रखते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, दीज पार्टिकल्स आर रिगार्डेड एज द फंडामेंटल पार्टिकल्स। इन पार्टिकल्स को क्या बोला जाता है, फंडामेंटल पार्टिकल्स बोला जाता है। ओके, समझ में आई, फंडामेंटल या फिर स्ट्रक्चरल यूनिट बोल सकते हैं हम, ठीक है। चलो देखो, आपको यहाँ पे एक डायग्राम नजर आ रहा होगा, ये हमारे एटम का एक डायग्राम है, किसी भी एटम का डायग्राम मान सकते हो, जनरली एटम का डायग्राम हम बोल सकते हैं, जनरल बेसिक डायग्राम है। यदि आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, तो ये प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स है, ओके, और इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो यदि हम इधर बनाते हैं तो एटम के अंदर आपको यहाँ पे एक सर्कल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसके अंदर क्या है, कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है और कुछ डिफरेंट कलर के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ओके। तो ये जो ब्लैक पार्टिकल्स है उन्हें हम बोल देते हैं प्रोटॉन, और जो ये रेड पार्टिकल्स प्रेजेंट है उन्हें हम क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रॉन, ओके। और इस पूरे को हम बोलते हैं, सर्कल को जिसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस, ओके। और इसके अराउंड जो बाहर ये आपको गोल गोल नजर आ रहे हैं ये बाहर, ठीक है, शेल्स के अंदर, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो समझ आया, एक एटम क्या क्या कंटेन करके रखता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस एटम के अंदर प्रेजेंट होता है, उस न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किस में प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और बाहर जो शेल होती है उनमें अराउंड घूमते रहते हैं बाहर शेल में, उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है, ओके। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा स्ट्रक्चर एटम की कैसी होती है, ओके। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। इलेक्ट्रॉन उस एटम की शेल के चारों ओर क्या लगाते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते हैं, ओके। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा किसका, एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, हमने मैटर के बारे में देख लिया थोड़ा बहुत, और फिर हमने देखा कि कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम को डिस्कवर किया था। सबसे पहले हमने महर्षि कर्णाद के बारे में पढ़ा, फिर जॉन डाल्टन के हमने पास्टुलेट देखे। जॉन डाल्टन के पास्टुलेट में कुछ प्रॉब्लम्स थी थोड़ी बहुत, उनको मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने सही करके हमें बताया। तो हमने मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का क्या देख लिया, कंपैरिजन देख लिया। फिर हमने एलिमेंट और एटम की डेफिनेशन देख ली कि वो क्या होते हैं। अब हमने थोड़ी बहुत स्ट्रक्चर किसी देखी है एटम की। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उसके अंदर हम आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स के बारे में, ओके। तब तक आप मेरा वीडियोस देखते रहिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके पूछें। थैंक यू सो मच।